मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो शॉटगन के साथ तुम्हारे भाई का रिश्ता तो सदियों से एकदम याराना टाइप का रहा है। जब आमने सामने आते हैं तो हर बार मेरे को ठुक के ही जाती है शॉटगन। वेल, बात करें इस गेम प्ले की, तो तुम्हारा भाई थोड़ा देर से उतरा था क्योंकि उससे जल्दी से दब गया था मतलब कूदने वाला बटन, तो इसकी वजह से मैं लेट उतर पाया था क्योंकि मेरा पैराशूट हवा में घुल गया था। अब हुआ ये था कि एक बंदा गन लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ था और दूसरा बंदा भी मेरी बिल्डिंग में आ गया था, तो मेरे पास लूटने के लिए ऐसी स्पेस कम था और उसमें से मेरे को गन भी नहीं मिल रही। अब बस यहाँ भाई की किस्मत देखना कि फाइनली उसे आखिरी कमरे में जाके एक गन मिली। अब इस पॉइंट पे जाके मेरे को थोड़ी सी राहत मिली क्योंकि मेरे को SKS मिली, साथ में एक बैरल मिल गई, तो मैं इधर खुश था और अब मैं पुश करने वाला था। अरे भैया, शॉर्ट गन्स भाई, HP देखो मेरी, क्या ही बचा हूँ, बच गया हूँ यही काफ़ी है, वरना ये गेम भी ख़त्म होता और क्लिप में डलता कि देखो शॉर्ट गन से कितनी बार मरता हुआ है। वेल, जो भी हो, इसको मैंने ठोक दिया था। लकली मेरे पास एक फर्स्ट एड भी थी, हील कर लिया, एक इंजेक्शन भी था जो कि मैंने लगा लिया, तो एड्रेनलिन तो एकदम तुम्हारे भाई की इधर हाई थी। तो अब पुश करना था दूसरे बंदे के ऊपर जो था अगली वाली बिल्डिंग में। अब मुझे हल्का फुल्का अंदाजा था वो कहाँ है और उसको पैनिक कराना बहुत आसान था। दरवाजा तोड़ दो। ओ भाई, बुरा मरा है भाई, लेकिन जरा स्कोप की दुकान देखो इसके पास। इसके पास हर वैरायटी के स्कोप मिल जाएंगे आपको, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज, शॉर्ट रेंज और क्लोज रेंज। वेल, बॉट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही अच्छे कपड़े पहन के आया था। वेल, जो भी हो, मैंने इसको ठोक दिया। अब देखो, साइड वाली बिल्डिंग से फायर आया था, सुनने में लग रहा था बॉट फायर है, बट नहीं, ये बॉट फायर नहीं था, ये इंटेंशनल था। तो यहाँ पर मैं रुका, मैंने स्कोप को सही करा, मैंने कहा फार ऑफ आराम से। मैं 100% इधर सही था क्योंकि वो बंदा वेट कर रहा था, तो इस भाई को मैंने बहुत आराम से मार दिया। वो क्राउच था इस वजह से वो ऊपर से नहीं मार पाया मेरे को, डब्बे के ऊपर से, मैंने जबकि आराम से उसको मार दिया। वेल, यहाँ मैं हेल्थ लगा रहा था और मेरे ऊपर एक और फुटस्टेप आ रहा था चढ़ता हुआ, तो यहाँ पर मैं डब्बे के चारों तरफ घूम रहा था कि अगर वो बंदा हुआ तो मेरे कवर में रहूँगा, अगर बॉट हुआ तो कोई बात ही नहीं है, और वो बॉट ही था। अब उसको मारने के बाद मेरे को पता था कि कुछ बंदे उधर ऑफिस की तरफ उतरे थे, तो यहाँ पर मैं अपनी लूट लेने के बाद उधर ही जाने लगा क्योंकि मेरे को पता था वहाँ से जितने बंदे उतरे हो, चाहे जितने बंदे मर गए हों, एक बंदा तो वहाँ से बच के निकलेगा ही निकलेगा और वो आएगा सेंटर में ही, क्योंकि भैया उसको भी बंदे चाहिए होंगे, चार पांच बंदे मारने के बाद उसका भी एड्रेनलिन हाई होगा। और वैसे हुआ, जरा इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखना तुम। भाई जाए जो हो, जान हलक में ला दी थी इसने भी एक बार। वेल, जो भी हो, मैं बड़े पोजीशन में था और कॉन्फिडेंस भी मेरे पास ज़्यादा था, तो मैंने उसको आराम से मार दिया। अब उसके बाद मैं चेक करने आया वापस यहाँ पर क्योंकि मेरे को पता था फैक्ट्री साइड हमेशा कोई ना कोई लेट रोटेट करता ही करता है, और मैं यहाँ पर सही था क्योंकि मेरे को एक बंदा दिख गया, बट वो रिच के पीछे था यार। अब मेरे को कुछ खास एंगल मिला तो नहीं उसके ऊपर, मैंने 3 गोली से मारी, लेकिन कोई अच्छा दिन रहता तो शायद उसे नॉक भी कर देता मैं एक हेड मार के। वह यहाँ पर वो नॉक नहीं हुआ था, बच गया था, हील आराम से लगा सकता था क्योंकि उसके पास भरपूर टाइम था। अब यहाँ पर मेरे पास जो उसकी लास्ट इन्फो थी वो ये थी कि वो बंदा बस के पीछे, लेकिन मेरे को शक था और डाउट था कि वो बंदा अंदर चला गया फैक्ट्री के, क्योंकि बॉट जो था वो अंदर देख रहा था, तो मेरे को यहाँ पर दोनों तरफ नजर रखनी थी कि वो गाड़ी के पीछे है या दरवाजे के पीछे। तो यहाँ पर देखो आप गौर से, मैं कभी भी इस रिच के ऊपर नहीं गया, मैंने उसको मौका नहीं दिया। अब यहाँ पर मैं चेक करना चाह रहा था तो मैंने कुछ नेट्स डाले कि एटलीस्ट पैनिक होकर वो बाहर निकलेगा, लेकिन नहीं, बस के पीछे कोई नहीं था, तो मेरे को यहाँ पर डाउट हुआ, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा देते ही हैं चांस मारने का, और वही हुआ। उस बंदे ने जैसे ही मेरे को देखा उसने मेरे पर फायर करा और लोकेशन कन्फर्म। अब यहाँ पर मेरे पास स्मोक नहीं था, मेरे पास मॉली था, तो मॉली को मैंने एज अ बैरियर यूज़ करा, मैंने उसको दरवाजे पर डाल दिया कि वो वहाँ से मेरे को पीक देके ना मार पाए, इधर से पीक देगा तो मैं मार ही दूंगा। अब फाइनली यहाँ पर एक एंगल कम्प्लीटली क्लियर हो चुका था, मेरे को पता था वो दरवाजे के पीछे होगा क्योंकि सब वहीं होते हैं और वो वहीं था।
अब मैंने उसको ऐसा दिखाया था मैं अंदर जा रहा हूँ, जबकि दूसरी तरफ से आया और भाई कंफ्यूज, और ये खत्म इधर ही। अब मिलिट्री पूरी तरीके से खाली हो चुका था, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था पोचिंग की। और भाई तुमको यहाँ पर कुछ दिखाऊंगा मैं, मतलब एक ऐसे बॉट से मिलवाने वाला हूँ जिसने पूरे टाइम मेरे को बेवकूफ़ बनाए रखा। वेल, उससे पहले मेरे को पोचिंग की पहुँचना था। अब देखो यहां से मेरे को पोचिंकी दिखा, लेकिन एक गाड़ी भी दिख गई। अब ये भाई साहब एक गोली मर गए, मैं समझ गया ये पिट के आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो इसका मतलब है यहां पर और कोई भी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो स्क्वाड हाउस पे होगा। तो यहां पर मैंने अपनी गाड़ी उठाई और मैं पोचिंकी के अंदर घुसने लगा, क्योंकि मैं उस बंदे को भागने का मौका दे नहीं सकता था। जिसकी किल चलाई है उसको मारना तो बनता है। वेल, मेरे को बीच रोड पे एक बंदा दिखाई दिया जो कि सीधा भाग रहा था, तो मतलब ये एक बॉट था। बट फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने गाड़ी कवर में रोकी। यार ये मरा क्यों नहीं? वेल, जो भी हो, मैंने फिर से फायर लिया और उसको ख़त्म कर दिया। वेल, बहुत अच्छा हुआ कि मैंने गाड़ी कवर में ली थी, क्योंकि यहाँ पर वाकई में एक बंदा छुप रहा था। अब यहाँ से मैं जब जाने लगा तो मेरे को फुटस्टेप आया, तो मैंने अपनी गाड़ी यहीं पर रोक ली, क्योंकि मेरे को पता था वो बीच वाले घर के आसपास है कहीं। तो मैं यहाँ से सीधा बीच वाले घर में गया, और भाई वो बंदा क्यों खड़ा था? I was thinking कि ये बॉट है, बट नहीं, ये तो एक बंदा था। वेल, यहाँ पर फिर बॉट्स की बारिश हो गई। अब इसको मैं मार सकता था, बट मैं लेवल 3 इसका बचाना चाह रहा था, और तभी मेरे को साउंड आया। अब ये एक बॉट था, लेकिन जरा इसका नाम पढ़ना भाई। ये किल फीड में 2-3 बार आ चुका था और मैं इसे बंदा समझ रहा था, और क्योंकि इसका नाम काफी कैची लग रहा था तो मैं तो एकदम तय मान के बैठा था कि इसको जरूर मारूंगा और डांस करूंगा। बट यार ये एक बॉट निकला, बड़ा अजीब था। वेल, जो भी, मैं पीछा जा रहा था कॉम्पनसेटर उठाने, लेकिन तभी मेरे को एक यहाँ पर गाड़ी का साउंड आने वाला है। अब कॉम्पनसेटर क्यों ले रहा था मैं? क्योंकि मैंने स्नाइपर उठा ली थी, और मेरे को बैरल अगर चलानी पड़ी मिड रेंज या लॉन्ग रेंज में तो कॉम्पनसेटर की जरूरत पड़ेगी 6x के साथ। अब यहाँ पर मेरे को गाड़ी का साउंड आया और गाड़ी भी दिख गई, लेकिन कुछ उनको अजीब दिखा, ऐसा लगा कोई उछला था वहां पर, बट मेरे को उधर कोई दिख भी नहीं रहा था। और गाड़ी निकल गई आगे, मैं चेक करने जा रहा था कि तभी एक और गाड़ी आई। अब ये सिर्फ एक हेड खा के मर गया, मतलब ये पिट के आ रहा था। अब पिट्टा किसे था ये पता नहीं, क्योंकि इसके पास भी मतलब फायरिंग वगैरह नहीं हुई थी। तो मैंने यहाँ लॉजिक लगाया कि ये बंदा शायद उस गाड़ी से टकराया था और उसकी वजह से ये उछला था, और जैसे ये मेरी तरफ आया मैंने उसे मार दिया। अब वेल, मेरे दोनों तरफ प्लेन जा रहे थे, तो मैंने देखा कौन से प्लेन से फ्लेयर ड्रॉप आएगा। अब जिधर से फ्लेयर ड्रॉप आया मैं सीधा उधर ही गया। देखो, आसमान में कभी भी एक साथ दो प्लेन नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना? और वो होंगे तब जब उनमें से एक फ्लेयर ड्रॉप वाला प्लेन होगा और दूसरा नॉर्मल ड्रॉप वाला प्लेन होगा। तो सिंपल सा लॉजिक ये है, आप दोनों प्लेन को देखो और जिस तरफ फ्लेयर ड्रॉप गिर रहा है आप उसी तरफ जाओ अगर आप हंट कर रहे हो। और अगर आप हंट कर भी नहीं रहे हो ना, आप मतलब बहुत ज़्यादा सेफ नहीं खेल रहे हो, तो हमेशा ड्रॉप के लिए जाओ, क्योंकि दो बंदे मिलेंगे आपको, आप उनको मारोगे, प्लस आपको उनकी लूट मिलेगी, प्लस ड्रॉप की आपको डबल लूट मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है इधर। वेल, ये बंदा कौन से नशे करके बैठा था मुझे पता नहीं, मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, इसको फिनिश कर दिया, ड्रॉप लूटा, ग्रोजा AWM। भाई और क्या चाहिए आपको, मतलब यहाँ पर फायदा ही फायदा मेरा। अब उसके बाद मैं आ रहा था गटका चेक करने, और हमेशा की तरह गंदी आदत है, दो गंदी आदतें हैं मेरी, एक गाड़ी से कूद जाना और दूसरा 6x को 3x बनाना भूल जाना। वेल, यहाँ मैं बहुत गंदी जगह गिरा था। अगर रैंक पुश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकता, मैं गाड़ी पकड़ता और सीधे घर पे जाता, लेकिन यहाँ कोई रैंक पुश नहीं हो रहा था, गेम प्ले के लिए खेल रहा था और मैं बहुत ही केयरलेस होकर खेल रहा था, तो मैंने वहीं हील लगाई। वेल, मैंने काफ़ी गलत स्टेप लिया था, क्योंकि वहाँ पर एक बंदा था, लकली उसने तब नोटिस करा ये बात जब मैं वहाँ से बहुत आगे आ गया। अब उसने मेरे पर फायर करा था, तो सीधी सी बात है मैं भी उसको ठोकूंगा, तो वो बंदा मेरे को दिख गया था। यहाँ पर मैंने वेट करा एक क्लियर एंगल का। अब मैंने मारा तो हेडशॉट था, बट उसे बॉडी शॉट पड़ा, और सेम शॉट रिपीट करा जो कि उसे हेडशॉट पड़ा। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं पबजी वाले इधर। वेल, जो भी हो, मेरे को एक किल मिली। अब मैं गाड़ी लेके सीधा कहाँ गया, तुमको पता होगा, जॉर्ज पुल वाले स्क्वाड हाउस पे, क्योंकि यहाँ पर एक जहाज खड़ा था, और जहाज खड़ा है तो बंदा तो होगा ही, और ये बंदा लास्ट में बहुत फ्रस्ट्रेट करेगा, तो इसको अभी निपटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अब साउंड से मैं समझ गया था वो बंदा दरवाजे के पीछे TPP ले रहा है, तो इधर मैंने एक नेट डाला, लेकिन पता नहीं कब वो वहां से निकल के सीढ़ी के नीचे आ गया, तो मेरे को भागना पड़ा। अब साउंड के हिसाब से वो दूसरी तरफ गया था, बट वो उसने मेरे ऊपर पुश करा था। यार भाई, मैं डर गया।